राम राम किसान भाइयों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एस के ऑल नॉलेज में। किसान भाइयों, हमारे किसान भाई धान की जो स्टार्टिंग होने जा रही है उसके लिए जोरों शोरों से अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते हुए, और मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि जो गोबर खाद होती है वो अपनों अपने खेतों में पहले डलवा दें तो उससे कितना लाभ मिलता है और कौन सी बचत हो जाती है। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी किसान संबंधित जानकारी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सीधा हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे। जैसा कि किसान भाइयों, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि एक हमारे किसान भाई ने यहां पर गोबर खाद का अपने खेत में भुरकाव करवा दिया है, और भुरकाव करवाने के बाद इसको कल्टीवेटर से अपने खेत में मिला देंगे और इसमें लगभग लगभग दो खादों का बचत हो जाएगा हमारे किसान भाइयों तक। हमारे किसान भाइयों को गोबर खाद डलवाने से, क्योंकि ये जो गोबर खाद होती है किसान भाइयों, एक जैविक खाद होती है, इसमें हमारे पौधे में जो कीट फंगस लगते हैं वो बहुत ही कम लग पाते हैं, और इसका यही सबसे बढ़िया अच्छा लाभ है गोबर खाद को डलवाने से। जो हमारे खेत में दम, जिसे क्षमता बोलते हैं, वो ख़त्म हो जाती है, और ये गोबर खाद डलवाने से हमारे खेत की क्षमता लगभग दूनी हो जाती है। तो मैं आप लोगों तक यही बात बताना चाहूँगा कि अगर हमारे खेतों में कोई भी फसल बोएं तो उससे पहले अगर हमारे किसान भाई गोबर खाद या कोई जैविक खाद का इस्तेमाल कर लें तो बेसिकली मैं यही कहूँगा कि सबसे अच्छा रहेगा, और लास्ट में जब हम अपनी फसल को कटवाएंगे तो यही कहेंगे कि ये दुगना अनाज कहाँ से निकल आया है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो किसान भाइयों, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। कमेंट में आप कोई भी हमसे प्रश्न कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर बताने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।